तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नई पंपिंग सिमुलेटर की वीडियो में। सो गाइस, आपको पता ही होगा मैंने लास्ट एपिसोड में स्टार्ट की थी एक न्यू सीरीज जिसका नाम है पंपिंग सिमुलेटर 2024। और गाइस ये उस सीरीज का एपिसोड नंबर 2। तो गाइस आपको पता ही होगा लास्ट एपिसोड में मैंने अनलॉक कर लिए थे 2 और न्यू गैस स्टेशंस। आज है एक न्यू डे और कार्स आना शुरू हो चुकी हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं अनलॉक करने वाला हूँ 2 न्यू कार वॉश सेंटर्स। सो गाइस इस वीडियो में मैं अनलॉक करने वाला हूँ ये 2 कार वॉश सेंटर्स सो दैट कि मैं और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाऊँ। और गाइस आप देख सकते हो एक का प्राइस है $3,000, तो 2 का होगा $6,000, जिसमें से अराउंड $3,000 मेरे पास हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों को अनलॉक करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने ये अनलॉक इसलिए किए क्योंकि इनसे मेरी इनकम ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। इवन मेरे ग्रोसरी स्टोर से भी एज वेल एज़ कार वॉश और ईवी चार्जिंग स्टेशन से भी इतनी इनकम नहीं होती जितनी सिर्फ पंपिंग स्टेशन कर देते हैं। स्टार्ट विद अ चैरिटी $100, नो प्रॉब्लम ब्रो। सो ऑलराइट, 2 कार्स में फ्यूल भर चुका है। सो गाइस अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप चाहते हो कि मैं चैलेंज करूँ जिसमें मैं अपने पूरे पंपिंग स्टेशन को वापस से इस गेम को स्टार्ट करूं और एक ही दिन में एक ही एपिसोड में इस गेम को कंप्लीट कर दूं, तो वो चीज़ भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वापस से थीफ आ चुका है और मैं इसको वापस से रास्ते में ही पकड़ लूँगा। सो गाइस मैंने थीफ को भगा दिया है और अपने अंदर भी कस्टमर्स आए हुए हैं ग्रोसरी स्टोर पर। सो फटाफट इनको भी गुड सेल करते हैं क्योंकि रिव्यू डाउन नहीं होने चाहिए, रेपुटेशन का सवाल है यार गैस स्टेशन का। सो ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो चारों फ्यूल स्टेशन बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं और अच्छी खासी अपनी इनकम जनरेट हो रही है। इवन अपना ग्रोसरी स्टोर भी मार्केट पे अच्छा काम कर रहा है। सो गाइस अभी इस गेम में करने के लिए काफ़ी कुछ बचा हुआ है, जैसे कि ATMs को अनलॉक करना, अपने लिए अंदर मार्केट और एक्सपेंड करना, मीन्स और कमोडिटीज़ ऐड करना, और इवन EV चार्जिंग स्टेशन को अनलॉक करना सो दैट कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी चार्ज हो सके हमारे स्टेशन पर और हम अपने एम्पायर को और बिल्ड कर सकें और जल्दी से जल्दी अपने लिए एक पेट एज वेल एज हाउस खरीद सकें, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक जब तक मैं अपने पूरे गैस स्टेशन को 100% अपग्रेड कर दूंगा ना, उतने रिवेन्यू में तो सिर्फ पेट ही आएगा। सो गाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी मैं इस गेम को कम्प्लीट करूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और गेम खेलूँ तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो प्लीज़ मैं वापस कह रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है इस वीडियो में। सो गाइस हमारे $4,000 हो चुके हैं, अब मैं आपको मिलता हूँ $6,000 होने के बाद। सो गाइस आप देख सकते हो सिर्फ $200 रहते हैं, उसके बाद हम अनलॉक कर सकते हैं अपने दोनों के दोनों कार वॉश सेंटर्स को, जिसमें से अराउंड $100 हमारे रिकवर हो चुके हैं। और नो, वापस से थीफ आ चुका है। सो वापस इसको रास्ते में पकड़ते हैं। आ जा, निकल यहाँ से। सो गाइस फाइनली हमारे आई थिंक $6,000 हो चुके हैं इसी के साथ, और मैं अनलॉक करने वाला हूँ कार वॉश सेंटर्स को। सो गाइस लेट्स डू दिस। यस फाइनली अनलॉक हो चुका है अपना कार वॉश सेंटर नंबर 1 एज वेल एज नंबर 2। और गाइस आप देख सकते हो हमारे दोनों कार वॉश सेंटर्स अनलॉक हो चुके हैं। अब कार आएंगी और ऑटोमेटिकली इसमें वॉश होती रहेंगी और हमें रिवेन्यू मिलता रहेगा। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं अनलॉक करने वाला हूँ इन 6 के 6 ईवी चार्जिंग स्टेशन को। सो गाइस प्लीज़ अगर आपको वो वीडियो जल्दी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना। एक का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, एक का प्राइस है $5,000, सो अराउंड $30,000 हमें चाहिए होंगे। सो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन देन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।